बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड क्लास। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर नॉवल दैट इज मिस्टर चिप्स। एंड यू नो दैट वी आर ऑन चैप्टर नंबर 3, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड, देयर आर सिनोनिम्स ऑफ चैप्टर नंबर 3 एंड 4, बिकॉज यू नो दैट वी आर ऑन ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट ऑल्सो चैप्टर नंबर 4 टूडे। सो दिस इज द रो ऑफ चैप्टर नंबर 4 सिनोनिम एंड दिस इज द चैप्टर नंबर 3 सिनोनिम। ओके, लुक एट इट, बॉल्ड, हेयरलेस जिसको कहते हैं गंजा, ठीक है, हेयरलेस। डायरेक्टरी, फोन बुक जिसमें बेटा सारे जो है ना नंबर होते हैं जो लोगों के, इस तरह से। ओकेजनल, इरेगुलर, स्पाइडरी, स्लॉपिंग, टेढ़ा मेढ़ा। लिजिबल, इजिली रेड, स्क्रिप्ट, हैंड राइटिंग, फस, एक्साइटमेंट। नेक्स्ट, स्टेट, साइटेड, एरोमा, स्मेल जिसको खुशबू कहते हैं। टेंगल्ड, ट्विस्टेड, टेढ़ा मेढ़ा। रिकलेक्शन, मेमोरी, परमानेंस, स्टेडीनेस, प्रिडिक्टेबल, एक्सपेक्टेड, कोलीग, एसोसिएट। ठीक है, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। ओके बेटा, दिस इज द ऑलमोस्ट एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 3। सो दे लिव्ड एट मिसेस विकेट्स विद दिस क्वाइट एंजॉयमेंट्स ऑफ रीडिंग एंड टॉकिंग एंड रिमेम्बरिंग। कहते चले अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सो दे लिव्ड, तो क्या है, चुनाचे वो वहां पे रह रहा था एट मिसेस विकेट्स, मिसेस विकेट के यहाँ, विद दिस क्वाइट एंजॉयमेंट, मीन टू से ही वॉज एंजॉयिंग हिज लाइफ फुली। ठीक है बेटा, और वो क्या करता था, ऑफ रीडिंग एंड टॉकिंग एंड रिमेम्बरिंग, पढ़ता था, मुताला करता था, बातें करता था, यादें उसकी ताज़ा हो जाती थी, यादें याद करता था अपने जो प्रीवियस उसका टाइम गुजर चुका था। ठीक है, उसको एंड ओल्ड मैन, वाइट हेयर्ड जिसके सफ़ेद बाल थे, एंड ओनली लिटिल बॉल्ड और थोड़ा सा वो गंजा भी था। ठीक है, स्टिल फेयरली एक्टिव, फेयरली मीन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा वो एक्टिव भी था फॉर हिज ईयर्स, जैसे जितनी की उसकी एज थी बेटा उसके लिहाज से ही वॉज वेरी मच एक्टिव। ड्रिंकिंग टी, चाय पीता, रिसीविंग कॉलर्स, लोगों से मुलाकात करता, बिजिंग हिमसेल्फ विद करेक्शंस फॉर द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द ब्रूकफील्डियन डायरेक्टरी। तो बेटा वो क्या करता है, बिजिंग हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बिजी रखा हुआ था विद करेक्शंस फॉर द नेक्स्ट एडिशन, करेक्शन करता रहता जो नए आने वाले एडिशंस थे ब्रूकफील्डियन डायरेक्टरी के, जो ब्रूकफील्डियन की जो डायरेक्टरी थी, जो फोन बुक थी, उसमें जो है बेटा वो नए स्टूडेंट्स के नंबर जो है उसमें ऐड करता और ये सारे काम करता। ठीक है, राइटिंग हिज ओकेजनल लेटर्स, ओकेजनल जो कभी कभार वो किसी खास मौकों पर जो लेटर्स भेजता था, ठीक है, वो लिखता, या कभी कभार लिखने वाले लेटर्स हम कह सकते हैं। इन थिन स्पाइडरी, ओके स्पाइडरी मीन मैंने अभी आपको बताया था स्लॉपिंग जो टेढ़ी मेढ़ी थी, पतली सी बारीक सी टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग थी उसकी, बट वेरी लिजिबल, रिजिबल इजिली रेड जो पढ़ी जा सकती थी, स्क्रिप्ट राइटिंग। ओके, ही हैड न्यू मास्टर्स टू टी, ओके, एज वेल एज न्यू बॉयज, बेटा वो न्यू मास्टर्स और न्यू बॉयज दोनों को जो है ना वो टी पे बुलाता था। ओके, दे वर टू ऑफ देम दैट ऑटम टर्म, एंड एज दे वर लिविंग आफ्टर देयर विजिट, वन ऑफ देम कमेंटेड। नाउ टू ऑफ देम मीन टू से या तो वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं या फिर टीचर्स, दिस इज नॉट मैंशन। देर वर टू ऑफ देम दैट ऑटम टर्म, ऑटम टर्म मीन जो खिजां का जो पढ़ाई का जो दौरानिया था, ठीक है, एंड एज दे वर लिविंग आफ्टर देयर विजिट, और जैसे ही वो मिस्टर चिप से मिलने के बाद वहाँ से जा रहे थे, वन ऑफ देम कमेंटेड, तो उनमें से एक ने क्या कमेंट किया, तबसरा किया, क्या किया, क्वाइट अ करेक्टर, क्या क्या खूब किरदार है, मीन टू से दे आर प्रेजिंग हिम, द ओल्ड बॉय, इज़न्ट ही, बूढ़ा लड़का, क्या वो नहीं है, ऑल दैट फस अबाउट मिक्सिंग द टी, फस मीन एक्साइटमेंट, ठीक है, कि इतनी वो एक्साइटमेंट उसको होती है वैन ही मिक्स टी, अ टिपिकल बैचलर, एक टिपिकल जो है ना एक रवायती किस्म का जो वो बैचलर है, इफ एवर दे वॉज वन, मीन टू से कि अगर वो कभी बैचलर था, सो वॉट इज दिस लाइन बेटा, विच वॉज ओरली इनकरेक्ट, सो द सेंटेंस द स्टेटमेंट ऑफ दैट पर्सन इज ओरली इनकरेक्ट, हैरान कुन हद तक, स्ट्रेंजली इट वॉज इनकरेक्ट बिकॉज चिप्स वॉज नॉट अ बैचलर एट ऑल, लेकिन क्योंकि चिप्स तो बैचलर था ही नहीं, ही हैड मैरिड, उसने शादी की थी, दो इट वॉज सो लॉन्ग अगो दैट नन ऑफ द स्टाफ एट ब्रूकफील्ड कुड रिमेंबर हिज वाइफ,
के जो ब्रुकफील्ड का स्टाफ था बेटा, वो उसकी वाइफ को याद नहीं रख पाए थे, बिकॉज इट वॉज सो लॉन्ग अगो दैट ही मैरिड एंड हिज वाइफ डाइड आफ्टर अ वेरी आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ हिज मैरिज. ओके बेटा, दिस इज डन. चैप्टर नंबर 3, इट इज कंप्लीटेड. सो नेक्स्ट मूव टू चैप्टर नंबर 4. यस बेटा, यस. सो दे केम टू हिम स्टीक बाय द वार्मथ ऑफ द फायर एंड द जेंटल एरोमा ऑफ टी, अ थाउजेंड टेंगल रिकलेक्शंस ऑफ ओल्ड टाइम्स. नो बेटा, व्हाट वाज ऑक्यूपेशन और यू कैन से चिप्स डिड इन हिज रूम दैट ही इंजॉय टी, ठीक है, लोगों से मिलता, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंड इन हिज रिकलेक्शंस ऑफ ओल्ड टाइम मेमोरीज. वो अपनी पुरानी यादों में बेटा खोया रहता. देर केम टू हिम स्टीड बाय द वार्मथ. वार्मथ क्या है? गर्म जोशी. ओके, या गर्माइश जिसको हम कहते हैं उर्दू में. बाय द वार्मथ ऑफ द फायर, अब वो फायर के करीब बैठा था, एंड द जेंटल एरोमा ऑफ टी, और बहुत ही स्वीट जो उसकी एरोमा था, स्मेल थी टी की, वो थी अ थाउजेंड टैंगल. टैंगल मीन ट्विस्टेड, उलझी हुई, ठीक है. रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस मेमोरीज, जो उसकी पुरानी यादें ऑफ ओल्ड टाइम्स, पुराने वक्तों की. स्प्रिंग, द स्प्रिंग ऑफ 1896 बेटा, वो 1896 की स्प्रिंग थी. ही वॉज 48 एंड एज एट विच अ परमानेंस ऑफ हैबिट्स बिगन्स टू बी प्रिडिक्टेबल. अब बेटा उसकी एज क्या थी? ही वॉज 48, और इस एज में आदत की जो पुख्तगी है, क्या कह रहे हैं कि विच अ परमानेंस ऑफ हैबिट्स, जिसमें आपकी आदतें बेटा पुख्ता हो जाती हैं, मीन टू से कि आपकी सॉलिड हो जाती हैं आदतें, वो खत्म नहीं होती फिर, बिगन्स टू बी प्रीडिक्टेबल, और उनको जो है वो प्रीडिक्टेबल आप कर सकते हैं, मीन टू से कि उसको जो है वो आप उसकी फोर्सिबल हो सकती हैं, एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन से कि हाँ ये इसके अंदर ही याद आता है. ओके, ही हैड जस्ट बीन अपॉइंटेड हाउस मास्टर, और कहते हैं कि उसको हाउस मास्टर जो है वो अपॉइंट किया गया था. हाउस मास्टर बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था, हॉस्टल का जो इंचार्ज होता है, ठीक है. विद दिस एंड हिज क्लासिकल फॉर्म्स, और जो उसका क्लासिकल अतवार थे, उसके तरीके थे, ही हैड मेड फॉर हिमसेल्फ अ वार्म एंड बिजी कॉर्नर ऑफ लाइफ, तो उसने जिंदगी का एक बहुत ही वार्म एंड बिजी कॉर्नर ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी को बहुत बिजी कर लिया, तो बड़ा सॉफ्ट सा, उसकी नेचर भी ऐसी ही थी, उसका जो वे ऑफ लिविंग था वो भी ऐसा ही था. ड्यूरिंग द समर वेकेशन ही वेंट अप टू द लेक डिस्ट्रिक्ट विद रॉडन अ कलीग. ओके बेटा, नाउ दिस इज द वेरी मच इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ दैट टोटली चेंज्ड हिम. Not, you can say, not totally, but to some extent, it left a very deep effect. ठीक है? अब वो कहाँ बैठा गया? He went to Lake District with Rowden. Rowden was his colleague. They walked and climbed for a week. अच्छा, वो क्या? काफी सैर करते रहे, ठीक है? They walked and climbed for a week, एक हफ्ता तक, until Rowden had to leave suddenly on some family business. तो उसको किसी, जो उसका colleague था, family business की वजह से उसको जो है वो वापस आना पड़ा था. Chip stayed on alone at Westhill Head. Okay बेटा, ये Westhill Head जो है, ये जगह का नाम है, वहाँ पे कहते उसको अकेले जो है वो रहना पड़ा था. Head, here where he boarded in a small farmhouse. जहाँ पे बेटा, कहाँ पे ठहरा हुआ था? छोटे से farm house में. One day climbing on Great Gable. Okay, Great Gable जो है ये भी एक जो है चट्टान, चट्टानी इलाका जो है, पहाड़ी इलाका उसका नाम है. और Great Gable जो है वो कहते उसको क्लाइम करता जो पहाड़ी थी, ठीक है, पहाड़ का नाम है ग्रेट गैबल. ही नोटिस अ गर्ल वेविंग साइटली फ्रॉम अ डेंजरस लुकिंग लेग. तो बेटा उसने क्या देखा? उसने एक लड़की को देखा जो कि खतरनाक दिखाई देने वाली, वेविंग साइटली फ्रॉम अ डेंजरस लुकिंग लेज. ओके, लेज मीन प्रोजेक्शन, ठीक है, लेजमिन प्रोजेक्शन, जो पहाड़ी का निकला हुआ हिस्सा होता है उसको कहते हैं. तो कहता है कि पहाड़ी के निकले हुए हिस्से पर जो है वो खड़ी हाथ हिला रही थी, पर जो अंदाज में उसने उसको हाथ हिलाते देखा. थिंकिंग ही वॉज इन डिफिकल्टीज ही हैसन टूवर्ड्स हर. ओके बेटा, उसको हैसन मीन मेक हेस्ट, ठीक है, हैसन मीन मेक हेस्ट. थिंकिंग ही वॉज इन डिफिकल्टीज ही हैसन टूवर्ड्स, वो जल्दी उसने उसको उसकी तरफ जाने में जल्दी की. बट इन डूइंग सो स्लिप्ड हिमसेल्फ एंड रेंच्ड हिज एंकल. चलो जी, अब क्या हुआ बेटा, उसको हेल्प करने के लिए जब वो उसने थोड़ा हेजिटेट हुआ कि मैं जल्दी से इस लड़की की हेल्प कर दूं, वो स्लिप हो गया एंड रेंच. ओके, रेंच मीन स्प्रेन. तो बेटा रेंच मीन स्प्रेन, उसका क्या हुआ कि मोच आ गई. रेंच इज एंकल, उसके घुटने में जो थी वो, सॉरी टखने में जो है उसके मोच आ गई. एज इट टर्न्ड आउट ही वॉज नॉट इन डिफिकल्टीज.
ओके okay, कहते बाद में पता चला कि जो है वो तो बिल्कुल भी किसी मुश्किल में ना थी. एज इट बट वॉज मेनली सिग्नलिंग टू अ फ्रेंड फादर डाउन द माउंटेन, बल्कि वो अपनी सिर्फ दोस्त को जो इशारा कर रही थी जो कहीं नीचे पहाड़ी पर थी. ठीक है, बट शी वॉज एन एक्सपर्ट क्लाइंबर. अब वो क्या थी बेटा, वो तो एक एक्सपर्ट क्लाइंबर थी, बहुत ही बेहतरीन क्लाइंबिंग करती थी, बेटर इवन देन चिप्स, हत्या के चिप्स भी बेहतर थी. हु वॉज प्रीटी गुड, जो कि काफी अच्छा था. दस ही फाउंड हिमसेल्फ द रेस्क्यूड इंस्टेड ऑफ द रेस्क्यूअर, तो फिर बेटा उसने उसकी मदद की, मतलब कि वो खुद बचाने वाला उसको अब बचाने वाला कोई आ गया था. ठीक है, ओके दस दी फाउंड ये हो गया. एंड नीदर रोल वॉज वन वन फॉर विच ही हैड मच रिलिश, और कहते हैं कि इन दोनों में से जो है वो इस जो उसका ये रोल था वो उसको पसंदीदगी नहीं रखता था इस बारे में. ठीक है बेटा, इट्स एनफ फॉर टुडे. ये ठीक है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी दिस पैराग्राफ टुमारो इंशाल्लाह. हैड मच रेलिश के इनमें से, इन दोनों बातों में से किसी एक के लिए भी वो ज़्यादा पसंदीदगी नहीं रखता था, ना तो ये कि वो दूसरों की हेल्प करे और ना ही ये कि वो किसी की हेल्प करे. ठीक है बेटा, इट्स एनफ फॉर टुडे इंशाल्लाह. टुमारो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पैराग्राफ. ओके, अल्लाह हाफिज़.